हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्रोशे के डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम ये दो रंगों से बना रहे हैं। क्रोशे मेरा 4 नंबर का है। डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस डिज़ाइन में का आप जो भी चाहे बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा, ब्लैंकेट, जो भी चाहे बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। बनाने के लिए हम नॉट लगाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करेंगे। फर्स्ट वन में लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 चेन करेंगे, डबल फंदी लेंगे और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 1, 2 हुआ, 3, 4, 5 5 चेन ऐसे बना लेंगे, 5 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 4 चेन करके ऐसे नीचे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए तो 6 हो गया ये पूरा। तो फिर 1, 2, 3, 4 4 चेन, डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 हम ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 4 चेन नीचे लाके ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर से फिर 1, 2, 3, 4 डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें, 2, 3, 4, 5, 3, 4 फिर यहाँ पर तो 6 हो गया। फिर से देखिए फिर 1, 2, 3, 4 फिर बनाएंगे। दो, 1, 3, 4, 5 ऐसे फिर 4 चेन करके नीचे ज्वाइंट करेंगे और जो पहला बनाए हैं उसमें लेके ऐसे ज्वाइंट करेंगे। और इसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए इसे बैक साइड हम लगा लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे 4 साइड कैसे हो गया। अब उसके बाद से हम फिर सेम चीज़ें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। आप चाहे तो सेम कलर से ही बना सकते हैं। ऐसे नॉट लगा के 1, 2, 3, 4, 5 फिर फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद से 1, 2, 3, 4 डबल फंदे, सेम चीज़ें। फिर से 2, 3, 4, 5 5 हम ऐसे बना लिए ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद से हम ये लेंगे जो बनाए हैं पहले, इसे लेके और ऐसे कर लेंगे। इधर से 5 पूरा छोड़ के ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे। लास्ट वाला चेन है उसके पास हम लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर फिर हम 1, 2, 3, 4 4 चेन करके नीचे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम फिर
एक दो तीन चार, और ऐसे करेंगे। और इधर का ये है फर्स्ट वाला जो, इसमें लेके हम फिर जॉइंट कर लेंगे। देखिए डबल फंदे, फिर से हम सेम चीज़ें बनाएंगे। देखिए ऐसे जॉइंट होगा, तो दो हो गया, तीन, चार, पाँच, फाइव हो गया पूरा। पहले वाले में ये जॉइंट कर लिए और फिर चार और बना लिए, उसके बाद फिर एक दो तीन चार, फिर नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार, डबल फंदे लेके फिर त्रिबुल क्रोशे बनाएंगे। तो सेम ऐसे बनेगा, बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं ये। तो देखिए हमने ये दो जॉइंट कर लिए, फिर सेम ऐसे ही फिर हम वाइट वाला जॉइंट करेंगे इसमें। तो हम फाइव ऐसे बना लिए हैं ये लेके, और फिर यहाँ पर जॉइंट करेंगे और इसे बांध लेंगे, फिर एक दो तीन चार चेन करेंगे, नीचे जॉइंट करेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे। तो वाइट मैरून ऐसे करके जितना लंबा ऐसे चाहें बना सकते हैं, तो हम और बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे फोर जॉइंट कर लिया, अब हम इस साइड जॉइंट करेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जगह है यहाँ पर बनाएंगे। तो हमने ये फाइव ट्रिपल क्रोशे बना लिया है, हम ये लास्ट वाला चेन है इसमें जॉइंट करेंगे ऐसे लेके, और ये लास्ट वाले में ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद एक दो तीन चार, फोर चेन नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार, फोर चेन करेंगे और इधर अब जॉइंट कर लिए। तो इस साइड का ये है, इसमें हमें जॉइंट करना है ऐसे लेके, पहले हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे इधर का लास्ट वाला है जो इसमें, देखिए, और उसके बाद से डबल फंदे, और फिर हम ऐसे एक एक दो तीन चार पाँच, और उसके बाद एक दो तीन चार, नीचे ऐसे, देखिए हो गया, फिर एक दो तीन चार, और फिर डबल फंदे लेके फिर सिक्स ऐसा बना लेंगे, फिर बनाएंगे, बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये इस लाइन में ऐसे जॉइंट कर लिया, अब हमें इधर जॉइंट करना है। तो इधर जॉइंट करने के लिए हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, ये लास्ट वाला चेन है इधर का इसमें जॉइंट करेंगे, इधर से ये लास्ट चेन है इस साइड इसमें जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने ये फाइव ट्रिबल क्रोशे बनाया, अब इसमें हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे लेके, ये लास्ट वाला है इसमें हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, फोर चेन नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो तीन चार, फोर चेन, अब इस साइड का ये है वाइट वाला, इसमें हमें जॉइंट कर लेना है ऐसे लेके, यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे हम, देखिए। उसके बाद से डबल फंदे लेके फिर हम लाइन से और बना लेंगे। तो एक एक दो हुआ, तीन चार पाँच, तो हम पांच ऐसे त्रिबुल क्रोशे बना लिए, एक साइड इधर जॉइंट की है, और इस साइड हमें यहाँ जॉइंट करना है। देखिए इधर का ये इधर जॉइंट है, इस साइड का जॉइंट में हमें जॉइंट करना है ऐसे लेके, और इसमें हम पहले ऐसे जॉइंट कर लेंगे, देखिए, अब उसके बाद से एक दो तीन चार, फोर चेन नीचे ऐसे ऐसे, फिर एक दो तीन चार, फोर चेन, अब हम इस साइड जॉइंट करेंगे, इधर जॉइंट कर लिए, अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, इधर वाला ये है जो इसमें जॉइंट करना है, ये है इसमें का, यहाँ पर जॉइंट करना है हमें। तो ऐसे लेके पहले इसमें हम जॉइंट कर लेंगे डबल फंदे, फिर से दो तीन चार
पाँच, एक, छः, फिर नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक और हम ऐसा बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फोर जॉइंट कर लिया ऐसे, देखिए इधर से और इधर से ऐसे जॉइंट हुआ है ये। वैसे ही सेम इधर भी फोर जगह जॉइंट हुआ, जैसे इधर हुआ फिर इधर होगा फिर यहाँ होगा ये हुआ है, तो ऐसे फोर जगह इधर जॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे ही बनेगा, इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट वाले पे जॉइंट करेंगे, फिर इधर का इधर में, और फिर जाके इधर जॉइंट करेंगे, फिर उधर बना के ऐसे बनाएंगे हम पूरा। हमारा इसमें एक दो तीन चार जॉइंट पड़ेगा, यहाँ से एक दो तीन चार जॉइंट पड़ेगा ऐसे, और इधर एक दो जॉइंट पड़ के ऐसे बन जाएगा। तो हम लोग जितना बड़ा चाहे जो भी चीज़ के लिए चाहे बना सकते हैं, तो हम और बना ले रहे हैं। देखिए हमने दोनों लाइन कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग जितना बड़ा चाहें ऐसा बना सकते हैं, डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।